हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग विशाली मनोजा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, हम बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि आप लोगों ने कल हमारा मेहंदी वाला व्लॉग देख लिया होगा, उम्मीद है अब तक आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, वो भी कि आपको मेहंदी वाला व्लॉग कैसा लगा। और मेहंदी भी देख लो, आपने मैंने मेहंदी वाले व्लॉग में दिखाई थी, बट अभी भी देख लो ऐसी अच्छी है वो, ज़्यादा गाड़ी नहीं हुई। तो आज की है शादी, हमारा हुलिया देख रहे हो, रात को लेट हुए थे तो सुबह लेट उठे हम लोग, बस तैयारी कर रहे हैं। मम्मी ने कपड़े प्रेस कर दिए हैं हमारे, मैं नहा धो के जाने लगी हूँ पार्लर और फिर हम चलते हैं शादी में। अब काम छोड़ के यहाँ पे हमारा हो रहा है व्लॉग एडिट मेहंदी वाला, जो कि आज आपको शाम को देखने को मिल जाएगा। शाम तक हो जाएगा? हाँ, शाम को देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो गाई, हम लोगों ने करा लिया बाल स्ट्रेट अपने, देखिए कितना प्यारा लुक आता है ना। मम्मी के भी कराया है, ये रे। कैसा लग रहा है आपको बाल स्ट्रेट करा के? मजा आ गया। वो कपड़े ब्रश करते करते पीछे मुंह कर लिया। हाँ, व्लॉग बना रही है। बस हम लोग होने लगे अब तैयार, उसके बाद हम जाते हैं शादी में। मासी वगैरह सब यही आएगी, हम सब एक साथ ही जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छे लग रहे ना? हाँ हाँ। ये हमारा पिटारा है परवल वालों का, इसमें हमने अपना सामान रख रखा है जो एक ही बार आता है। टेप इतने टाइट से लगा रखी है, खुल ही नहीं रही, मेरे ही नहीं खुल रही है, आखिर में खुल ही गया ये, देखो। ओ, हम पे तो एक और फेस वॉश पड़ा है अभी, मेरे को तो पता ही नहीं था। मम्मी, मेरे को पता ही नहीं था फेस वॉश भी पड़ा है हम पे एक और। हमारा मामा अर्थ वाला ख़त्म होने वाला है, अब ये काम आएगा भाई के। और ये छोटू छोटू है पाउच, हमने पूरा भर रखा है संभाल के। अब ये पिटारा हमारा 6 महीने बाद काम आता है तैयार होने के लिए। लेके आए थे ना 2 दिन पहले, पड़ा 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 देखिए, वो पुराना वाला हो गया ना, वो लाई थी नया, जो कल लगा के गए था, इस्तेमाल किया था। और भी पड़ा है नीचे एक पैकेट इसका पफ का। मम्मी जी, कैसे तैयार करा विशाली ने? ये तो आप लोग बताओ ही, हम विशाली ने कैसे तैयार किया हमें। हाँ जी विशाली जी, आप भी तैयारी? नहीं, अभी थोड़ा चलना नहीं है, थोड़ा रह गया मेरा। आपको 2 घंटे हो चुके हैं, आपको 2 घंटे हो चुके हैं मेकअप करते हुए दोनों माँ बेटियों को, और हमें हम अभी तक कुछ भी नहीं करा हमने, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर तैयार होके आ जाएंगे। शाही पनीर और मैगी में फर्क होता है ना। अरे हाय। मम्मी का बताओ कैसी लगी? हमारे पापा जी, पापा भी 10 मिनट पहले आए और हमसे पहले रेडी हो गए। चलो अब मैं सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, कुछ नहीं करना। 6 बजे के तैयार हो रहे, 8 बज गए। लेडीजों के भी बहुत टाइम अभी भी निकलते आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा और लगेगा। 2 से 2.5 घंटे इन्हें तैयार होते हुए हो चुकी है। आज आप सुंदर लग रहे हो, काला टीका लगा लेना। व्हाइट कलर लड़कियों का, इसलिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। और हमें यहाँ पे यार ट्रैफिक बहुत मिलता है, बट हम लोग पहुँचने वाले हैं, 5 से 10 मिनट के बीच बीच में पहुँच जाएंगे, बट जहाँ जाना है वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है यार। हे दोस्तों, आप लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा हुआ, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही हूँ। मेरी अदा है, मेरे कान की ईयर रिंग मैंने 2-3 लोगों को और देखा, मैसेज पहन रखे थे यहाँ पे। बस कर कितनी फोटो दिखाएगा अपनी। यार मुझे ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा वाला स्टॉल था और भैया ने बनाना शुरू नहीं किया। मैंने तो भैया से पूछा कितनी देर लगेगी, उन्होंने बोला 10-15 मिनट। हाँ, मुँह में पानी आ जाता है यार पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही। तो ये है ब्राइड मेरी सिस्टर, तो ये जो बहुत ही प्यारी लग रही थी, और आप लोग बताओ कैसी लग रही है ये, हमें तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। काला टीका भी लगवाया कि नज़र ना लगे किसी की। तो अब मैं आपको घुमाती हूँ पूरा ग्राउंड, जहाँ पे फंक्शन है, शादी है आज, तो चलिए घूमते हैं। फ्लावर पॉट, भाभी मेरे को बोल रही है मेरी फ़ोटो खींच दे, रुक जा। और मैं तो यार कैमरा वैन ही बन के रह गई हूँ, मेरे फ़ोन में इतनी हज़ारों फ़ोटोएँ कलेक्ट हो गई है शादी की, इतनी सारी फ़ोटो खिंचवाई हैं इन लोगों ने मेरे है।
उसके बाद भी इन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली फ़ोटो खिंचवाने से। फिर देन हम आगे चले, वहाँ पे मिले पापा बैठे हुए और मेरे मामा जी जो कि बतिया रहे थे, पर कैमरा देख के वो लोग चुप हो गए। और फिर कह रहे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस दिखा के हम चलते हैं अब आगे। और देखिए कैसा है ये जगह। ये पर खौफ था ना मिर्चे न डालो। खींच ले, मेरे को भेज दे यार, वीडियो बना रही हूं। तो अकेले अकेले
वरमाला हो गई है। थर्ड ईयर आगे जाने का फायदा नहीं है मेरा, आगे कैमरे वाले मेरे को वीडियो और फोटो नहीं बना देते, आगे जाके और दिखती हूँ कि मैंने गई थी, आपको दिखा दिया देखो आप लोग कबन लग रहे हैं ना। लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक बाय बाय टाटा टेक।